कितना बनना था और कितना बन गया है और कब तक यहाँ पर शिफ्ट होते हुए लोग? देखिए, यहाँ टोटल 32 ब्लॉक बनना था, अभी 32 में से 24 पे काम शुरू हो चुका था। तो 24 ब्लॉकों में पूरा 7572 ड्वेलिंग हाउसेस बनना है, जिसमें से 5373 का मैंने एक कर दिया है अलॉटमेंट। देखिए, प्रोजेक्ट यहाँ पे थोड़ा डिले से रहा है शुरुआत में, लेकिन प्रगति काफ़ी अच्छी है कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि G+6 जो बन चुके हैं उनको हम लोग फिनिश करें, लाभुकों का विश्वास हम लोग जीत पाए, लाभुकों को ये लगे कि नहीं ये घर बन के रेडी है। तो ये एक हमारा अप्रोच है, आने वाले जैसे 3 महीने में हमने इनका टारगेट रखा है कि 3 से 4 महीने में ये घर हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे। तकरीबन हम लोगों ने 500 करके तीनों को टारगेट दिए, 1500 घर हमने ये मानते हैं कि अगले 3 महीने 3.5 महीने में हम लोग फिनिश करेंगे। एक जो शहरी गरीब है उसे क्यों लेना चाहिए? बहुत ऐसे होते हैं जिनकी आय 3 लाख से कम है और वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि मेरा एक शहर में एक घर होगा। इसका अगर बाजार से आप तुलना कीजिएगा तो इसी फ्लैट का कीमत मिनिमम 9 से 10 लाख आपको ज़्यादा होगा। तो जो 10 लाख का फ्लैट है मैं उसको 6,81,000 में दे रहा हूँ, वो भी उनको मात्र 4,31,000 देना पड़ रहा है। सवाल यह है कि सर कितना बनना था और कितना बन गया है और कब तक यहाँ पर शिफ्ट होते हुए लोगों को देख सकते हैं? देखिए, यहाँ टोटल 32 ब्लॉक बनना था जिसमें करीब 9572 ड्वेलिंग हाउसेस होना था। तो अभी वो भी बनेगा फ्यूचर में, अभी हम लोगों ने कुछ चेंजेस किया है। अभी 32 में से 24 पे काम शुरू हो चुका था, 8 ब्लॉक में विभिन्न कारणों से कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो 24 ब्लॉकों में पूरा 7572 ड्वेलिंग हाउसेस बनना है, जिसमें से 5373 का मैंने एक कर दिया है अलॉटमेंट, लोगों को दे दिया है लेटर। तो अभी चेंजेस ये हो रहा है कि आवास तो उतना ही बनना है, फ्यूचर में जितना मुझे बनाना था फ्यूचर में मैं उतना ही बनाऊंगा। स्ट्रैटजी अभी चेंज ये हुआ है कि जो ब्लॉक मैक्सिमम स्टेज पे चले गए थे, जैसे G+6 हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने यहाँ पे बना रखा है, तो जो बना रखा है G+6 अभी हम लोग उस पर अगले 3 महीने में कंसनट्रेट करना चाहते हैं। और वो अगर हम कंसनट्रेट करें तो करीब 150 ड्वेलिंग हाउसेस मैं 3 महीने में तैयार करके लाभुकों को दे दूँगा और लाभुक जब अपने बनते हुए घर को देखेंगे तो वो अपना अंशदान भी हमें देंगे। मेरा सवाल है कि सर ये जो आवास है इसका उद्देश्य है किस लोगों को देना है और क्यों ये आवास, क्या क्या खूबियाँ हैं? अगर आपके नज़र से लेके आप लोग गहन इस पर बैठक किए चर्चा किए, एक जो शहरी गरीब है उसे क्यों लेना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है उसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस बहुत ऐसे होते हैं जिनकी आय 3 लाख से कम है और वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि मेरा एक शहर में एक घर होगा, एक फ्लैट होगा। आप देखिएगा, एक मैंने यहाँ पे कम्पीट भी किया है और लोगों को दिखाने के लिए मैंने मॉडर्न फ्लैट यहाँ तैयार किया, आप जाके देखिए। इसका अगर बाजार से आप तुलना कीजिएगा तो इसी फ्लैट का कीमत मिनिमम 9 से 10 लाख आपको ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। तो जो 10 लाख का फ्लैट है मैं उसको 6,81,000 में दे रहा हूँ, वो भी उनको मात्र 4,31,000 देना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा सपना जो गरीबों के लिए था वो पूरा हो रहा है कि उनका एक फ्लैट अपना होगा, अपना घर होगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सभी नागरिकों के लिए और हम लोग के लिए भी एक चैलेंजिंग है कि ताकि जितना जल्दी हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए। एक सवाल है कि आप 3 महीने में सपने देख, मतलब जो आपका टारगेट है कि भाई जो कंप्लीट हो गया है लोगों को परिवारों को शिफ्ट कर दे, लेकिन उसके ये जो रोड का है ड्रेनेज का है इसको भी क्या आप कंप्लीट करके देंगे? इसलिए उसके बिना तो लोग आएंगे नहीं। देखिए, इसमें है कि एक अलग एस्टिमेट बना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे, जिसमें मेरा रोड रहेगा, पार्क रहेगा, अन एमिनिटीज़ रहेगी यहाँ के लोगों को रहने के लिए। तो 3 महीना में वो भी तैयार हो जाएगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने तैयारी कर रखी है, वो एस्टिमेट भी स्वीकृत होगा और उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों के लिए ब्लैक टॉप रोड मिले या PVC रोड जो भी मैं बना पाऊँ। और दूसरा है कि पार्क भी मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ ताकि उनके बच्चे यहाँ पे खेल पाए और एक कॉमन जो उनके एक्टिविटीज़ के लिए भी मैं एक कम्युनिटी हॉल यहाँ पे बनाऊँगा और बिजली पानी की सुविधा रहेगी। तो एक आइडियल यहाँ पे एक प्रोजेक्ट तैयार होगा और हमको लगता है कि ये पूरे झारखंड के लिए हम लोग के लिए गौरव की बात होगी जब ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। हाँ, देखिए, आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी, हमारे राज्य स्तर से भी DMA के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ हम लोगों ने आज बैठक की है जिसमें हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, जुटको के DGM साहब, उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर सभी यहाँ पे मौजूद हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है Vertical 3, ये ऐसी एक परियोजना है जहाँ पर हम EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के व्यक्ति को आवास मुहैया कराते हैं, जिसमें पूरी लागत आप देख रहे हैं फ्लैट यहाँ पे बन रहा है।
तो एक फ्लैट की कीमत 6,81,000 आता है, जिसमें 2.5 लाख रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं, बाकी 4,31,000 रुपया लाभुकों द्वारा दिया जाना है। तो पूरा 32 यहाँ पे ब्लॉक बनाया जाना था, जिसमें अभी 24 ब्लॉक पे काम शुरू हो गया है, बाकी 8 ब्लॉक जहाँ पे कुछ कुछ रीजन के कारण कार्य शुरू नहीं हुआ है, कुछ रेती ज़मीन पे पड़ गया है, कुछ लो लैंड निकल रहा है, डिफरेंट कारण से शुरू नहीं हो पाया, जिसके संबंध में जुटको अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। तो रेस्ट जो बन रहे हैं 32 ब्लॉक, वो करीब करीब 7,372 आवास उसमें बनेंगे, जिसमें 5,326 आवास का आवंटन हम लोग कर चुके हैं। तो उस पर कैसे प्रगति हम लोग तेज़ी से करें, ताकि लाभुकों का भी विश्वास हम लोग पे बढ़ पाए, वो भी देख पाएँ कि जो आवास उन्होंने बुक कराया है उनको निश्चित अवधि में आवास मिल जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने आज एक नई कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत हम लोगों ने ऐसे ब्लॉक का चयन किया है जो G+6 बन चुका है, और G+6 जो बन चुका है वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि उसको पूर्ण रूप से पहले वो फिनिश हो, फिर बाकी पे हम लोग ध्यान दें। तो इसका टारगेट हम लोगों ने रखा है कि जो G+6 बन चुका है उसको अगले 3 महीने में हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त कर दें। पूर्ण रूप से समाप्त करने का सेंस है कि फ्लैट पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए और वह रेडी टू शिफ्ट होना चाहिए। और जो अभी हम लोगों ने सिर्फ वैसे को चयन किया जो G+6 में है, उसके बाद 3-4 महीने के बाद फिर बाकी जो ब्लॉक है उस पर हम लोग कार्रवाई शुरू करेंगे। तो ऐसे हम लोगों ने दो यहाँ पे पूरे 6 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिसमें 4 कॉन्ट्रैक्टर्स अभी एक्टिव हैं, तो उनमें से 2 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हम लोगों ने जब रिव्यू किया तो ऐसा पाया कि 2 कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा G+6 की कुछ भवनों का निर्माण किया गया है। वो 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, एक हैं क्यू कंस्ट्रक्शंस और दूसरा है मोहन पोद्दार। तो हम लोगों ने उनको कहा है कि हमारे पास जो राशि उपलब्ध है मैं आपको वो राशि दूंगा, आप हमको निश्चित 3 महीने में इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लें। और इसी बीच ये दोनों भवनों का हम लोग रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत हमको लाभुकों का अंशदान भी प्राप्त होना शुरू होगा, उनको हम लोग बैंकों से ऋण दिलाने की भी कोशिश करेंगे, और जब घर बनता हुआ लाभुक पाएंगे तो खुद अपना जो उनको इंस्टॉलमेंट देना खुद आगे बढ़ के वो देंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने इस कार्य योजना के तहत अब कार्य करना हम लोग शुरू करेंगे, और बहुत जल्दी आपको यहाँ पे बना बनाया फ्लैट और यहाँ पे लोगों को रहते हुए आप लोग देख पाएंगे। देखिए प्रोजेक्ट यहाँ पे थोड़ा डिले से रहा है शुरुआत में, लेकिन प्रगति काफ़ी अच्छी है। आज आप लोग खुद भी यहाँ पे देखे हैं कि यहाँ पे प्रगति बड़ी अच्छी है। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को जैसा अभी सर ने भी बताया कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि G+6 जो बन चुके हैं उनको हम लोग फिनिश करें, लाभुकों का विश्वास हम लोग जीत पाएँ, लाभुकों को ये लगे कि नहीं ये घर बन के रेडी है, और वो अपना पैसा जो है, चूँकि इसमें बेनिफिशरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, इसमें 60% पूरे घर का 60% करीब करीब जो है वो लाभुक अंशदान से आता है। और वो जरूरी है कि लाभुक अंशदान अगर नहीं आएगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। जो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली कि लाभुक अंशदान में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें एक स्ट्रेटजी हम लोग अभी अपनाए हैं, जस्ट हम लोगों ने मीटिंग किया कि सबसे पहले हम लोग G+6 के जितने भी बन चुके उसको हम लोग फिनिश कर दें और उसमें उन लाभुकों को शिफ्ट करें। जब लाभुकों को वो बनता हुआ घर दिखेगा, उनको समझ में आएगा, उनके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, तो वो अपने पैसे निकाल के देंगे, और इसमें फिर रेरा भी करवा रहे हैं और हम लोग उसके बाद बैंक से लोन भी करवाएंगे। तो ये एक हमारा अप्रोच है। आने वाले जैसे 3 महीने में हमने इनका टारगेट रखा है कि 3 से 4 महीने में ये घर हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे। तकरीबन हम लोगों ने 500 करके तीनों को टारगेट दिए, 1500 घर हमने ये मानते हैं कि अगले 3 महीने 3.5 महीने में हम लोग फिनिश करेंगे, और उसमें लाभुक को भी हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। रेस्ट उसके जब आ जाए आगे वाले स्टेज पे जाके, बाकी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ भी यही प्लान है हमारा।